बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक। तो उर्दू आईटी एकेडमी मिनी बाइट्स का, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि करियर्स इन प्रोग्रामिंग के बारे में आज करेंगे। एक्चुअली मैंने आज अपना लेक्चर रिकॉर्ड करना था सीसीएनए साइबर ऑप, पर अनफॉर्चुनेटली वो किसी वजह से रिकॉर्ड नहीं हो सका, क्योंकि वो डाउनलोड एक मैं करना चाह रहा था, वो थोड़ा डिलेड है। तो मैंने कहा यार व्हाई नॉट यूटिलाइज द टाइम वेल, सो मैंने कहा ये बड़े अरसे से पेंडिंग काम है, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो मेरी फील्ड नहीं है, ठीक है, उससे रिलेटेड जो सा है उर्दू आईटी की मिनी बाइट रिकॉर्ड किया जाए, क्योंकि करियर सीरीज के ऊपर अभी हम रिकॉर्ड करने लगे हैं। तो पहला प्रोग्राम है प्रोग्रामिंग के ऊपर, फिर नेटवर्किंग के अंदर, फिर सिक्योरिटी के अंदर, फिर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। मेरे ख्याल में ये चार पांच फील्ड जो सी मिलकर हमारे आईटी को इनकम्पस कर लेती है, बहुत सारी चीज़ें कवर कर लेंगी और इंशाल्लाह फिर आप लोगों को आइडिया हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग फॉरम पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर कौन सी चीज़ पढ़ें, क्या चीज़ पढ़ें। तो पहला क्वेश्चन का आंसर जो सा है जी, आप वो पढ़ें जिसका आपको दिल चाहता है, ठीक है। आप किसी भी करियर के अंदर जंप मारने से पहले सबसे पहले सोचें कि क्या एक ऐसी चीज़ है जो आज से मैं 30 या 40 साल के बाद हैं, जब मैं 60 साल का हो जाऊंगा और मेरे जो सी हैं बच्चे होंगे, तो क्या चीज़ जो सी है मुझे सुबह 7 बजे उठा के काम पे लेके जाएगी, ठीक है। ट्राई टू डू समथिंग दैट यू कैन डू इट आफ्टर 10 ईयर्स। अब मसला ये है कि जो हम लोग, बहुत लोग इस चीज़ को ऑफेंडेड फील करेंगे, मगर आई अपोलोजीज, मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहता। जो लोग सॉर्ट ऑफ नॉट लिविंग इन फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज, इट इज़ वेरी वेरी हार्ड फॉर देम टू चूज अ करियर ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट दे लाइक, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ग्राफिक्स डिज़ाइन पसंद करते हैं मगर ग्राफिक्स की जॉब्स नहीं है। मगर अब इन लास्ट 5 to 10 ईयर जो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा चेंज आया है, उसके अंदर इस तरह की लिमिटेशन नहीं रही। और सेकेंडली डिस्क्लेमर यहाँ पे देता चलूँ कि करियर चूज़ कीजिएगा खुद सोच समझ के। उर्दू आईटी एकेडमी किसी बात की रिस्पांसिबिलिटी नहीं लेती कि जी सर आपने सजेस्ट किया था प्रोग्रामिंग पढ़े, मैंने प्रोग्रामिंग पढ़ी और वो तो हुई नहीं और मुझे जॉब नहीं मिल रही, तो अब आपकी जिम्मेदारी मुझे जॉब दिलाना। तो लिहाजा उर्दू आईटी एकेडमी की कोई जिम्मेदारी नहीं, हम कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं ले रहे, मगर हम बेस्ट एंडेवर कर रहे हैं कि बेस्ट ऑफ ओवर नॉलेज जो है, बेस्ट ऑफ ओवर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि मैंने ये लेक्चर रिकॉर्ड करने से पहले कुछ 6 या 7 इंडस्ट्री के अंदर एक्सपर्ट्स से बात की। एक्सपर्ट वो नहीं है जिसको 5 साल का एक्सपीरियंस, एक्सपर्ट वो जिसको 10 साल का एक्सपीरियंस, 15 साल का एक्सपीरियंस, 20-20 साल का एक्सपीरियंस है, उन लोगों से बात की है। दे आर वर्किंग ऑन अ बिग ब्रांड कंपनीज लाइक गूगल, फेसबुक, बड़े बड़े ब्रांड्स के अंदर काम कर रहे हैं, जिन लोगों से उनसे मैंने बात की। एनीवे, सो करियर इन प्रोग्रामिंग के बारे में बात करने लगे हैं। तो अगर आप प्रोग्रामिंग, आपको लगता है आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, ठीक है, कि आपको कैसे लगेगा आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, एक वेबसाइट पे जाएं www खान अकेडमी गूगल कर लें, या www.khanacademy.org है मेरे ख्याल में, वहां जाएं और वहां पे प्रोग्रामिंग की एक सीरीज है। अगर आप उसके 10 घंटे बर्दाश्त कर सकते हैं, इसका मतलब आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, दिस इज समथिंग दैट यू एंजॉय डूइंग इट, फिर उसके बाद इसमें कर लें। 10 घंटे का टेस्टर है, टेस्टर करने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा आप ये काम कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो गो के ये उर्दू आईटी मिनी बाइट है, तो मैं इसको थोड़ा तेज तेज लेके चलूंगा। तो क्या हो गया भैया, उर्दू आईटी मिनी बाइट का बैनर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अब जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात आती है तो बहुत सारे लोग समझते हैं यार ये है क्या चीज, किसी लोगों को इस चीज को एक्सप्लेन नहीं करना आता। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो मैंने अपने इलम, अपने नॉलेज, अपनी एक्सपीरियंस की बेस पे किया है कि एक वेब डेवलपमेंट कैटेगरी है, ठीक है, जिसमें आप वेबसाइट्स बनाते हैं, ठीक है। एक कैटेगरी है जिसमें मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट करते हैं। एक कैटेगरी इसमें सॉफ्टवेयर है, जिसमें सर्वर एंड सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, बैक एंड सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो सकती है, कार ड्राइविंग सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, ठीक है। ये तमाम चीजें जो है सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में डाल दी। और चौथी कैटेगरी इज द गेम्स, गेम इंडस्ट्री इज लाइक बूमिंग राइट नाउ, गेम इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा डेवलपर्स की जरूरत पड़ती है, लाइक हम लोग अक्सर शॉर्टेज में होते हैं। जिस तरह आप लोगों को पता है मैं ऑलरेडी गेमिंग इंडस्ट्री में काम करता हूं, तो वी ऑलवेज लुकिंग फॉर C++ प्रोग्रामर, सी के प्रोग्रामर की हमेशा शॉर्टेज होती है जो AI पे काम कर सके, ठीक हो गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग, सो AI प्रोग्रामिंग को इधर एक छोटी सी कैटेगरी के अंदर ना AI भी डाला जा सकता है, AI, ठीक है, जैसे मशीन लर्निंग या ये सारा कुछ वो ड्रामेबाज की, मगर वो थोड़ी एडवांस साइड पे चली जाती है, इसलिए मैं करियर डेवलपमेंट के अंदर उसको ऐड नहीं किया। तो इस चीज़ को मैंने जानबूझ के यानी हजफ कर दिया, ठीक है। इस सॉफ्टवेयर के अंदर IoTs भी आ सकती हैं, ठीक है, रोबोट्स भी आ सकते हैं, ठीक है, ICS भी आ सकती, सारी चीज़ें आपकी इस कैटेगरी के अंदर आ गई, ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि यार इसके अंदर बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, हम कहाँ से शुरू करें, ठीक है, उसके बारे में आपको बाद में डिस्कस करूंगा, मगर उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि एक प्रोग्रामिंग है जावा, ठीक है, उसके साथ आप पाइथन, ठीक है, जावा, पाइथन, PHP, ठीक है, .NET आपके पास आ गई, इधर HTML आ गई और CSS आ गई, ये छोटी छोटी चीज़ें, इनको आप इतनी टेंशन ना लें, JavaScript, और इनके साथ एक चीज़ जो सी है डेटाबेस टेक्नोलॉजी, जिसे हम SQL, PLSQL, MySQL, जो भी आपने कहना है डेटाबेस टाइप की टेक्नोलॉजी आ गई, उसको भी थोड़ा सा आपको समझना है। तो अगर आप प्रोग्रामिंग वर्ल्ड के अंदर जाना चाह रहे हैं और आपने ये तमाम टिक बॉक्स टिक कर ली है, तो सॉर्ट ऑफ आपके लिए जो सा है करियर मूवमेंट जो सी है आसान हो जाएगी,
ठीक है ना। इसी तरह जो है अगर आप मोबाइल डेवलपमेंट के अंदर आईओएस डेवलपमेंट में जा रहे हो तो आपको स्विफ्ट का प्लेटफॉर्म आना चाहिए, स्विफ्ट में प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने अगली स्लाइड इसी चीज के लिए बनाई है ताकि आपको टॉप 5 और 6 लैंग्वेजेस जो है वो हम डिफाइन करें। और अगर आपको टॉप 4 एंड 5 या 6 लैंग्वेजेस अगर मैं एक्सप्लेन करूँ यहाँ पे, तो आप ये ना समझिएगा कि यार इसमें तो PHP ऐड नहीं हुई, मैंने उसमें PHP को ऐड नहीं किया, उसमें मैंने .NET को ऐड नहीं किया। उसकी बेस ये है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है आजकल ये स्किल सेट मांग रही है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस को कैटेगराइजेशन करने के लिए मैंने जो से ना 3 या 4 क्राइटेरिया लिए हैं कि ये कितनी आसान है लर्न करना, उसकी जॉब मार्केट कैसी है और प्रोडक्टिविटी कैसी। ये ना हो कि एक लाइन के एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आपको 20 लाइन ऑफ कोड्स लिखने पड़े और दूसरी लैंग्वेज जो सी आपको 1 लाइन ऑफ कोड लिखना पड़े। तो जो आपको बंदे को हायर करने लगेगा वो आपको कहेगा यार ये जो है ना ये जो बंदा है ये 1 मिनट में 1 लाइन लिखता है और ये 5 मिनट में 1 लाइन लिखता है, दोनों काम एक ही करते हैं, तो वो आपको नहीं हायर करेगा। ठीक है। दूसरी बात ये कि बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज हैं या जो बिगर ब्रांड्स हैं मार्केट के अंदर, ठीक है, वो ये चाह रहे हैं, वो उन तक अगर आपने जॉब हासिल करनी है तो आपके लिए लाजमी है कि आपको एक ऐसा टूल सेट आता हो जो आपको पहली जॉब लैंड कराए। क्योंकि अगर आपने बिगर ब्रांड के लिए काम करना है तो बिगर ब्रांड क्या कहेंगे, कहेंगे भैया जी 5 साल का एक्सपीरियंस लेकर आओ। 5 साल का एक्सपीरियंस कहाँ से लेकर आओगे जब तक आपके आपके पास किसी छोटी कंपनी का एक्सपीरियंस नहीं होगा। और छोटी कंपनी में एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए आपको उनकी स्पेसिफिक लैंग्वेजेस चाहिए होगी। बड़ी कंपनीज में भी फ्लेक्सिबल हो और मोस्टली फ्लेक्सिबल होती हैं अराउंड द लैंग्वेजेस, मगर बड़ी कंपनीज आपको एक्सपीरियंस के बगैर नहीं रखेंगे। और जब आपने छोटी कंपनीज में एक्सपीरियंस के लिए जाना है तो वो आपसे चाहेंगे कि आप उन्हें जो सा है एग्जैक्ट एक्सपीरियंस दे। अगर कोई कंपनी पाइथन में काम करी वो कहेगी पाइथन का बंदा चाहिए, अगर कोई कंपनी जावा के अंदर काम करी तो जावा का बंदा मांगेगी। ठीक है। तो बेसिस ऑन दोज सबसे पहली लैंग्वेज जो मैंने ऐड की है, लाइक नंबर 5 पे जो लैंग्वेज ऐड की है विच इज जावा। जावा इज लाइक इज यूज एवरीवेयर, हर जगह यूज होती है, हर जगह आपको जावा के डेवलपर की जरूरत पड़ती है। वेरी एक्सपेंसिव डेवलपर नाउडेज जो अच्छा डेवलपर है। ठीक है। जावा के डेवलपर के साथ आपको 1, 2, 3 रिक्वायरमेंट आजकल ये है कि आपको AWS और Azure यानी क्लाउड बेस्ड एनवायरमेंट का अंदाजा होना चाहिए। अगर आपको उन क्लाउड बेस्ड एनवायरमेंट का अंदाजा नहीं है तो मे भी आपकी मार्केट वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाए। तो ये वो जगह है जहां पर आपने अपने आप को ब्रश अप करना। अगर आप जावा पढ़ना चाहते हैं, इसे कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज जिसमें कंपाइलर्स वगैरह की और क्लासेस वगैरह का अंदाजा होना चाहिए और आपका बड़ा वास्ट किस्म का नॉलेज सेट होना चाहिए। अगर आप डिग्री प्रोग्राम से आए हैं तो मे बी इट वुड हेल्प यू, क्योंकि आपने डिग्री प्रोग्राम में जावा पढ़ी थी। अनफॉर्चुनेटली डिग्री प्रोग्राम में जितनी जावा पढ़ाई जाती है हम सबको पता है। ठीक है। उसके बाद अगली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ जाती है स्विफ्ट। स्विफ्ट क्यों बहुत ज्यादा फेमस है, iOS कहीं जा नहीं रहा। ठीक है। मोबाइल iOS जो है कहीं नहीं जाने लगा और स्विफ्ट का जो डेवलपर है ना और कैपेबल डेवलपर जो अच्छा डेवलपर है वो ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है। और आजकल मोबाइल गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत सारी गेम्स जो सी हैं वो iOS के ऊपर और एंड्रॉइड के ऊपर डेवलप हो रही है, तो iOS का डेवलपर जो है ना वो ढूंढना थोड़ा मुश्किल है। एंड्रॉइड ओपन प्लेटफॉर्म है तो हर बंदा उसे यूज कर सकता है। iOS की एक लिमिटेशन जो है वो ये है कि भाई डेवलपर के पास अगर मैकबुक वगैरह हो तो ज्यादा आसान होता है उसके लिए डेवलपमेंट करना, मगर ये एक शर्त नहीं है। ठीक है। फिर उसके बाद एक और जो प्लेटफॉर्म या लैंग्वेज है जिसे हम कहते हैं रूबी लैंग्वेज और रेल्स मेरे ख्याल में प्लेटफॉर्म है, वेब डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म। बहुत सारी की जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स वगैरह के जो प्लेटफॉर्म है वो सारे के सारे इसके ऊपर बने हुए हैं। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग लैंग्वेज। अगर आप उस तरह की इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो आप रूबी ऑन रेल्स सीख सकते हैं। कुछ लोग डिस्प्यूट करते हैं कि रूबी और रेल्स नहीं होना चाहिए, PHP लैम इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए यहाँ पे, मगर दैट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कहाँ पे बैठे हुए हैं, किस किस्म के एनवायरनमेंट में बैठे हुए हैं। हमेशा अगर आप पाकिस्तान इंडिया में बैठे हुए हैं, बांग्लादेश में बैठे हुए हैं, या यूरोप में बैठे हुए हैं, या अमेरिका में बैठे हुए हैं, कनाडा में बैठे हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, जहाँ पर पूरी दुनिया कवर कर ली मैंने, तो आप पहले एक दफ़ा जॉब सर्च करके देखें कि वहाँ पे जॉब्स आ किस किस्म की रही हैं, अगर आप मार्केट में वाकई टैप इन करना चाह रहे हैं। ठीक है। अगर आप लकी है ना फिर ऑलरेडी मार्केट के अंदर बैठे हुए हैं, फिर आप कोई भी उठा लें जो आपको अच्छी लगती है, जावा से शुरू कर लें। ठीक है। जावा लर्निंग के हिसाब से सबसे हार्डेस्ट लैंग्वेज है इन द लिस्ट में, दैट्स व्हाई आई पुट इट ऑन नंबर 5। उसके बाद आ जाता है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट और जावा टू डिफरेंट थिंग। जावास्क्रिप्टिंग जो है ना वो बहुत सारे बिग प्लेटफॉर्म्स के अंदर यूज हुई है, मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, मगर इट्स फेयरली ईजी टू लर्न एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द 3 लैंग्वेजेज जो मैंने लिस्ट में डाली। और टॉप ऑफ द लिस्ट जो है मैंने पाइथन को ऐड किया। पाइथन जो है ना आजकल वो AI और मशीन लर्निंग और लाइक डेटा एनालिटिक्स के अंदर बहुत ज्यादा यूज हो रही है, इसलिए पाइथन जो है बहुत आसान है लर्न करना। दिस इज द फर्स्ट language everybody should need to learn। ठीक है ना। हर बंदे को मैं सजेस्ट करता हूँ लर्न करना। इवन वो नेटवर्किंग पढ़ रहा है मैं उसे कहता हूँ भैया एक पाइथन पढ़ ले, क्योंकि स्क्रिप्टिंग की जरूरत पड़ जाती है आपको और उसके अंदर बहुत सारे काम करने पड़ते हैं और पाइथन बहुत सारे काम करती है। एट वन स्टेज मैंने स्टार्ट की थी पाइथन लर्निंग के लिए, फिर मैं सॉर्ट ऑफ मैनेजमेंट रोल के अंदर मूव हो गया तो इस वजह से मुझे अब जरूरत नहीं पड़ी, मगर आई नो पाइथन और एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस विद एनी स्किल सेट वुड हेल्प यू आपकी जॉब को बेटर करने में और आपको
इन्हेंस करने में, अपना करियर इन्हेंसमेंट के लिए भी हेल्प करती है. तो आई वुड सजेस्ट यू गो फॉर अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इफ यू वांट टू गो फॉर अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. दीज आर माय सजेशंस, ठीक है? आपने अपने हिसाब से सजेशन देखनी है. सबसे आसान मार्केट में इसकी डिमांड है पाइथन, फिर जावास्क्रिप्ट, रूबी ऑन रेल्स, स्विफ्ट एंड जावा. जावा की डिमांड मैं नहीं कह रहा कि कम है, जावा की डिमांड बहुत है, मगर इसकी लर्निंग के हिसाब से जो है उसको और उसको प्रोडक्टिविटी के लेवल पर आपको लाते हुए बहुत टाइम लग जाएगा. तो इसलिए एफर्ट के हिसाब से पाइथन सबसे आसान लैंग्वेज मेरे नजदीक है. इसके अलावा आपके पास अगर ये लैंग्वेजेज हों तो आपके पास साइड पे जो है डेटाबेसिस का नॉलेज हो सकता है, जिसमें एसक्यूएल, और अगर आप बिग डाटा के अंदर जाना चाहें तो फिर टेबलॉय. अभी माइक्रोसॉफ्ट ने पावर बीआई भी निकाल दिया है, ठीक है? ये सॉर्ट ऑफ रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म है अराउंड बिग डाटा और एसक्यूएल जो सी आपकी, आपको पता है डेटाबेसिस है. फिर एसक्यूएल के अंदर फिर एक डेवलपमेंट ट्रैक और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन ट्रैक है, वो आप पे डिपेंड करता है, मगर माइक्रोसॉफ्ट की इसके अराउंड सर्टिफिकेशन है. तो लिहाजा जनाब अभी हमने जो सा है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पढ़ लिया, के अंदाजा लगा लिया वेब डेवलपमेंट, मोबाइल सॉफ्टवेयर, गेम्स, और उसमें फिर हमने ये जो पांच लैंग्वेजेस देख ली. इसके अलावा भी है, पीएचपी आपके पास है, डॉट नेट का फ्रेमवर्क पूरे का पूरा है, आप वो भी कर सकते हैं. अगर आप उसके अंदर जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं, मैं ये नहीं सजेस्ट कर रहा कि उसमें बिल्कुल ना जाए, ये मेरी जाती राय है इन लैंग्वेजेस के बारे में, ठीक है? उसके बाद जो है जॉब. अच्छा, अब मसला ये कि जब आप जॉब लेने के लिए मार्केट के अंदर जाते हैं ना, तो जॉब इंटरव्यू वाले ना आप तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो चाहते हैं. कोडिंग स्किल्स आपकी कैसी है, आप कोड कैसे कर सकते हैं, मे बी दे वुड गिव यू अ स्मॉल कोड टू डू, ठीक है? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपकी कैसी है, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम कैसा है. ये तीन चीजों को आपने अगर समझ लिया, इस पर एक्सपर्टीज हासिल कर ली, नोबडी कैन स्टॉप यू गेटिंग अ जॉब, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कि आप एज अ कोडर, एज अ प्रोग्रामर, एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर जब भी किसी इंडस्ट्री में जाते हैं तो वो आपको देखना चाहते हैं कि आपकी कोडिंग स्किल कैसी है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी कैसी है. अगर आपको एक प्रॉब्लम दे दिया गया आपने उसे सॉल्व भी कर सकना है या नहीं. अब मसला ये है कि अगर आप इस टाइप के बंदे नहीं हैं तो आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में टांग अड़ाने की कोशिश ना करें, ठीक है? आप ये ना देखें कि इस जॉब में कितने पैसे हैं. अगर आपको लगता है मे बी यू आर अ बेस्ट पेंटर, ठीक है, आप जो से है ग्राफिक डिजाइनर अच्छे बन सकते हैं, आप नेटवर्कर अच्छे बन सकते हैं, ठीक है, मगर मे बी आप प्रोग्रामर नहीं बन सकते. बहुत सारे लोग जो से जिससे प्रोग्रामिंग इंटरफेस देखते हैं दे शट देमसेल्फ, ठीक है, दे शट देमसेल्फ. और ये जो से है ना, ये एक वेरी गुड इंडिकेशन है कि यार इस चीज को ट्राई ना करो. मगर मैं अपनी फैमिली के अंदर जितने नए बच्चे जो आजकल आ रहे हैं और जो ख्वाब देखते हैं डॉक्टर इंजीनियर, उनका मेरिट नहीं बनता, टिपिकल हम सारे लोग आईटी में ऐसे ही आ रहे होते हैं. तो एनीवे, तो वो लोग जो उनसे है ना, उन लोगों को सबको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि भैया नेटवर्किंग और किसी और फील्ड को हाथ लगाने से पहले ना देख लो अगर आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो. अगर आपको लगता है आप प्रोग्रामर बन सकते हो, प्लीज़ गोइंग टू अ प्रोग्रामिंग बिकॉज दिस इज अ फ्यूचर. मेरे बेटे से सुबह बात हो रही थी कि भाई फ्यूचर में जो उनसे कितनी जॉब्स चली जाएंगी, तो वो बताता वो प्रोग्रामर्स आर नॉट गोइंग टू लास्ट. मैंने कहा व्हाट अबाउट द रोबोट्स, रोबोट्स आर गोइंग टू डू द प्रोग्रामिंग. मैंने कहा वो जो रोबोट जो प्रोग्रामिंग करेगा उसको कौन प्रोग्राम करेगा, ठीक है? तो प्रोग्रामर्स की जॉब वुड भी देयर, ठीक हो गया? तो एनीवे, जॉब मार्केट, ये स्लाइड मैंने वैसे ही डाल दी, इसे अगली स्लाइड पे मैं ट्रस्ट नहीं करता, मगर मैंने कहा दिखा दूं क्योंकि ज़ाहिर है ट्रेंड होता है. तो ये ओवरऑल जो है ना पिछले कोई 10-12 साल का ट्रेंड है, और मार्केट डिमांड जो सी है ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स जो सी है इज अप ऑन द राइज, 3-4% और इंक्रीज हुई है. और ये जो है एवरेज सैलरी ऑफ अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रेंज कर रही है, मगर मसला ये है कि ये जियोग्राफिकली बड़ी वेरी कर रही होती है ये चीज़ ना, तो लोअर एंड पे भी है, हायर एंड पे भी है, और ये बहुत आपको ध्यान रखना पड़ता है यार. आप किस ये नंबर, दीज नंबर्स माइट बी डिसीविंग, ये गलत भी हो सकते हैं, ठीक है? इसकी वजह ये है आपको पाकिस्तान इंडिया के अंदर इस तरह की सैलरीज नहीं मिलेंगी. उसकी सिंपली वजह ये नहीं है कि इन ममालिक के अंदर जो है तनख्वाह ज़्यादा मिलती है, इन ममालिक में फिर टैक्सेस भी ज़्यादा है, इन ममालिक में फिर और डिफरेंट चीज़ें भी ऐसी हैं जो आपको पे करनी पड़ती है. सेफ फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ. मैंने और मेरे बच्चों ने अगर पाकिस्तान जाके अपने पेरेंट्स को मिलना है, तो मैंने अपने पेरेंट्स को मिलना है तो मुझे वो पैसे निकालने पड़ेंगे. तो अगर मैं यहाँ पे ज़्यादा पैसे कमा रहा हूँ, मगर पाकिस्तान में अगर मैं एक ही सिटी के अंदर रह रहा हूँ तो मेरा उतना खर्चा नहीं होगा. तो लिहाजा इस नंबर को अभी वक्ती तौर पर जहन से निकाल दें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ठीक है? अच्छा, अब कुछ लोग आ जाते हैं सर्टिफिकेशन फोकस्ड होते हैं, बड़े टिपिकल सर्टिफिकेशन फोकस्ड होते हैं. सर सर्टिफिकेशन ना की तो जान नहीं आएगी, क्योंकि इस सॉर्ट ऑफ अचीवमेंट की फीलिंग होती है, ठीक है? तो डोपामीन प्रोड्यूस होती है ब्रेन के अंदर, हमारे एक चीज़ होती है, एक मुझे नहीं पता उसके लिए वर्ड हार्मोन यूज़ कर सकते हैं, यानी डोपामीन प्रोड्यूस होती है जब आपको सेल्फ अचीवमेंट या सेटिस्फेक्शन होती है. यानी आप चेकलिस्ट बनाए और आपने चेकलिस्ट में एक बात को टिक कर दिया तो आपका ब्रेन जो है डोपामीन प्रोड्यूस करता है, आप सेटिस्फाइड हो जाते हैं. सर्टिफिकेशन जो है मेरे लिए डोपामीन का काम करती है, इसलिए मैं सर्टिफिकेशन करता होता था पहले, ठीक है? एनीवे, तो ओडेसिटी,
उडेसिटी एक वेबसाइट है जहाँ पे आप जाते हैं, ऑनलाइन प्रोग्रामिंग कोर्स लेते हैं, प्रोग्रामिंग कोर्स लेने के बाद आप उनका कोई एग्जाम देते हैं, आपको सर्टिफिकेट दे देते हैं। अगर किसी को सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है तो वो यहाँ जाके ले सकते हैं। उसके अलावा एक और वेबसाइट है कोर्सेरा, कोर्सेरा के ऊपर बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ाई जा रही है। और आप देख रहे हैं कि जिस तरह ही मैंने प्रोग्रामिंग के अंदर देखा, पाइथन फॉर एवरीवन, ठीक है, डेटा साइंस विद पाइथन, ठीक है, मिशिगन यूनिवर्सिटी पढ़ा रही है। आप ये पढ़ने के बाद उनको पैसे देते हैं, टिपिकल लॉन्ग कोर्सेज है। मैंने इस यूनिवर्सिटी से 3-4 कोर्सेज किए थे इस वेबसाइट से, मगर आई डोंट वांट वांट देयर सर्टिफिकेट, सो आई डिडंट पे देम। तो बहुत बहुत अच्छी वेबसाइट है और काफ़ी काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म्स हैं इनके साथ। उसके अलावा फिर आपके पास जो सा है कोर्सेरा कह रहा हूँ, गूगल डेवलपमेंट है, एक सेकंड मुझे इंक इंक रेज कर, गूगल डेवलपमेंट के अंदर गूगल डेवलपर सर्टिफिकेशन है, आप ये भी कर सकते हैं अगर आप जो है डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, एंड्रॉयड डेवलपमेंट की तरफ मूव होना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद AWS भी एक डेवलपमेंट कोर्स देती है। अगर आप डॉट नेट के अंदर हैं तो माइक्रोसॉफ्ट की MCSD सॉफ्टवेयर डेवलपर की एक सर्टिफिकेशन है, वो भी कर सकते हैं। तो ये 3-4 सर्टिफिकेशन मैंने आपके लिए सामने डाल दी, अगर आप इनमें से किसी भी ट्रैक की तरफ जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ना अब ओरेकल लास्ट बट नॉट लीस्ट के जावा की अगर आपने सर्टिफिकेशन करनी है तो आप यहाँ उनके पास से जावा की जो है सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। जावा की मेरे ख्याल सर्टिफिकेशन के 3-4 डिफरेंट ट्रैक है, विच इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस स्पेसिफिक टॉक। उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट जो सा है, मैंने एक स्लाइड ऐड की है विच इज अबाउट कि कौन से प्लेटफॉर्म, अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पढ़ना चाहते हैं तो कौन से प्लेटफॉर्म पे जाएं। उर्दू आईटी एकेडमी आई वुड से 50-50, ठीक है, अगर आप हार्ड कोर, इधर अब हम पैसे की बात करना चाह रहे हैं, ये जो प्लेटफॉर्म मैं आपको बता रहा हूं ये फ्री नहीं है, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म आर पेड प्लेटफॉर्म। यहां आप तब जा रहे हैं जब आप हार्ड कोर सीरियस है, आपने करना है, आपने उर्दू आई टी के खान अकेडमी से प्रोग्रामिंग कर ली है, उर्दू आई टी अकेडमी से सी का कोर्स कर लिया, आपने PHP पढ़ ली है, अब आप कहते हैं यार प्रोग्रामिंग एक ऐसी चीज़ है जो मैं करना चाहता हूँ, मुझे बहुत अच्छा आइडिया हो गया है, हम उर्दू आई टी अकेडमी पे ऑलरेडी एक वेब डेवलपमेंट के कोर्स पे काम कर रहे हैं, ठीक है, एक और ट्रेनर हमें मिले हैं, ही इज वेरी कीन टू टीच वेब डेवलपमेंट, थैंक यू वेरी मच टू हिम ऑलरेडी। और मगर अभी मैं समझता हूँ, मेरी बड़ी ऑनेस्ट ओपिनियन है, ठीक है, आई एम अ फाउंडर ऑफ उर्दू आईटी एकेडमी, मेरी तरफ से ये कहना जोन सा है इज द पीक ऑफ ऑनेस्टी कि मेरे नज़दीक अगर आपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करियर एस्टेब्लिश करना है, उर्दू आईटी एकेडमी इज नॉट अ प्लेटफॉर्म फॉर यू। If you want to be a network engineer, definitely Urdu IT Academy is a platform for you. If you want to learn something about the cyber security, Urdu IT Academy is for you. AWS development, Android development, Urdu IT might be a platform for you क्योंकि हमारी वो सीरीज कंप्लीट नहीं हुई। तो ट्री हाउस जो सा एक रियली गुड प्लेटफॉर्म है, हाउ टू लर्न अ कोड, इनकी सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है, ये आपको डिटेल में पढ़ाते हैं, बड़ी डिटेल के अंदर जो से प्रोग्रामिंग लेक्चर्स कोड्स और उस तरह के हैं। मगर वंस अगेन आई एम सेइंग आई एम नॉट एंडोर्सिंग दीज प्रोडक्ट्स, आप खुद जाके रिसर्च करके समझ के अंडरस्टैंड करके इन प्रोडक्ट्स को सब्सक्राइब किए, मैंने 3-4 रखी हुई है। दूसरे नंबर पर जो सा है कोड अकेडमी है, ये नंबरिंग सिस्टम जो सा है इस बेस पर नहीं है कि कौन सी अच्छी कौन सी बुरी है, मैंने रेंडमली एड किया हुआ है। कोड अकेडमी इज रियली गुड, मिलियंस ऑफ कोडर जो से हैं इसके ऊपर रजिस्टर्ड हैं और इनके पास काफ़ी सारे प्रोग्रामिंग कोर्सेज हैं, इनकी कम्युनिटी काफी स्ट्रॉन्ग है। अगर आपके पास कोई कोड आपने किया और आपके कोड में कोई प्रॉब्लम आ रही है, दे वुड हेल्प यू आउट, ठीक है। फिर कोड एवेंजर्स जो से हैं इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, इनका जो ट्रेनिंग का स्टाइल है इज क्वाइट फन एज वेल, इट कीप्स यू अप, मगर बच्चों के लिए नहीं है। और उसके बाद जो है प्लूरल साइट और कोड स्कूल, पहले ये कोड स्कूल हुआ करता था, कोड स्कूल और प्लूरल साइट आपस में कंबाइन हो गया और ये जो है बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। मगर मेरे लिए अगर आप मेरे से कहो कि इन चारों में से, मेरे ख्याल में एक और भी है, नहीं, इन चारों में से कौन सा बेस्ट प्लेटफॉर्म है, I would do a research on them. मैं सब के ऊपर ट्रायल लेके उनको स्टडी करूंगा, पहले मैं establish करूंगा मैंने लैंग्वेज कौन सी पढ़नी है, ठीक है। इन सब चारों के ट्रायल से पहले मैं खान अकेडमी पे जाके एक दफ़ा ट्रायल करूंगा, ट्रायल कुछ प्रोग्रामिंग कोर्स पढ़ूंगा, लूप्स, थोड़े से इमेजेस बनाऊंगा, थोड़ी छोटी मोटी गेम्स बनाऊंगा, उसके बाद मैं establish करूंगा अच्छा यार ये चीज़ें समझ आ गई है, अब मैं मेरे ख्याल में पाइथन पढ़ना चाहता हूँ, पाइथन 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 पाइथन, अगर PHP HTML CSS JavaScript पढ़ना चाहता हूँ ये पढ़ूंगा, ठीक है, और बाकी जो लैंग्वेजेस जो मैंने डिस्कस किए हैं जावा पढ़ना चाहता हूँ तो जावा पढ़ूंगा। मगर मैं एट दिस स्टेज, अगर आप फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग में जंप करने लगे, आई वुड नॉट 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 सजेस्ट यू कि आप जावा पढ़ें, ठीक है। खुश रहें, मेरे ख्याल में ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, प्लीज़ पोस्ट द कमेंट्स, अगर कमेंट्स आएंगे तो मैं फिर अगला लेक्चर डिस्कस करूंगा कि कौन सी फील्ड के ऊपर करना चाहिए, ठीक है। खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।